Hey guys, what's up? Hope you all doing good. This is Hamza here and welcome to our new vlog after a very very long time. और ये vlog है मंडी का, तो जिन लोगों को जानवरों से मोहब्बत है, जानवर पसंद करते हैं, वो ये vlog देखें आखिर तक। और एक हमारा दोस्त है, वो बेचारा दुकान से आया तो वो यहीं पे ना आया, तो बाकी सारे दोस्त आ रहे हैं, फिर उनके साथ हम मंडी निकलेंगे, जानवर लेकर आएंगे और फिर आपको सब कुछ दिखाएंगे, आखिर तक देखना। ये है वो जगह जहाँ पे हम अपना जानवर बांधते हैं, और ये है वो हरामखोर दोस्त जो सबसे लेट आया है और सबसे जल्दी आने वाला था, 8 बजे आने वाला था। तू याद है? तो 8 बजे में दूसरी मंडी जाना कह रहा है, कराची की हर मंडी देख लेंगे, उसके बाद जाएंगे मेन मंडी। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पे सबका वेट हो रहा है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। भाई माशाल्लाह अभी अभी सारे दोस्त जमा हुए हैं यहाँ पर। ये भाई का जानवर, असद भाई का जानवर, ये रहा जानवर। जानवर इससे ज्यादा साफ हो रहा है, रोज जानवर को नहला रहा, खुद गंदा पड़ा है। तुम्हारा जानवर किधर है? इनका भी जानवर हम आपको दिखाएंगे। भाग गया था जानवर मेरा। तुम्हारा भाग गया था जानवर? ये देखे कश्मीरी चाय। अबे टी शर्ट तो वैसी है ना, पैसे रखे हुए बोला था, पैसे रखे हुए अंदर यार, संभालो ना पैसे। डन हो गया, ठीक है मैं आ जाता हूँ। ओके भाई जान, क्या कर रहे थे बताओ तो। यार असल में ना सीजन है, आपको पता है, और यहाँ पे कॉल्स आ रही है कि बछड़ा खा नहीं रहा। कॉल्स आ रही है मेरे पास, कॉले बोला कर, कॉले आ रही है मुझे। तो बस टूट के बता रहा था ये जानवर खाना कैसे खाता है। ये डॉक्टर मुरली प्रसाद नहीं है, ये उससे मिलता जुलता एक वर्ड है, ये वो है। बोल दू पिक कर देना। तो भाई माशाल्लाह हम लोग को निकलते निकलते 1 बज गया, और असद भाई भी हम लोग कब तक पहुंच जाएंगे? 20 मिनट में पहुंच जाएंगे अगर पीछे वाले तेज चले। 20 मिनट में पहुंचेंगे। हाँ भाई, पीछे वाले 2 गाड़ियों में हम लोग जा रहे हैं, 3 यहाँ बैठे हुए, 4 बैठे हुए ना वहाँ पर। माशाल्लाह एक जानवर लेने के लिए 7 लड़के जा रहे हैं, 7 दिमाग जा रहे हैं। मिलेगा कब तक? जब भी हम लोग का रिकॉर्ड इतना खराब है, हम लोग जब भी ज्यादा ज्यादा लड़के गए ना, हम लोग को बहुत देर से मिलते हैं। सुबह ये बंदा जो है ना, ये बंदा, इसका भी हम आपको बताएंगे मंडी में पहुंच के क्या क्या बातें करता है व्यापारियों के साथ। ये एक बंदा और है जिसकी वजह से सुबह जानवर लेंगे हम। तो आपको पहुंच के बताएंगे। पहुंच गए भाई हम मंडी, और ये दोस्त जो है हमारे, इसने बोला था 20-25 मिनट का रास्ता है, आधे घंटे में पहुंचा। कितने? पौन घंटे से ऊपर। टाइम देखो, टाइम देखो, 12:50 पे निकले थे, 1:40 हो रहा है। भाई सौदा करूंगा आपका भाई, सबसे पहले सुजुकी मंगवाऊंगा, जानवर पसंद कर लेना भाई। इसका तो मैं आपको बताता हूँ, जो आज जो 1 लाख रुपए का जानवर मिलेगा ना, आज की तारीख में, ये हमें 4 साल पहले दिला रहा था। क्या हुआ तुझे, क्या हो गया? आ जा भाई, आ जा। अच्छा भाई, हम लोग नौदन वाली मंडी में नहीं आए, हम लोग आए हैं यूसुफ गोट वाली मंडी में। तो जिसको नहीं पता हो उनको भी पता चल गया होगा। भाई ऐसे नौदन कितनी दूर है नौदन वाली मंडी? नौदन वाली मंडी ये नहीं पता मुझे, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता है, मुझे बस इतना पता है। मुझे लग रहा बेहतर होगा वहाँ जाना। नहीं नहीं, अब यहाँ देख लेते हैं, अब इंशाल्लाह यहीं से लेके जाएंगे भाई, और कॉल ही नहीं करनी मुझे। और है हमारे बाकी साथी खड़े हुए, भाईजान गाड़ी तो पार कर दो। भाई बोल रहे बहुत कंजेस्टेड मंडी नहीं है ये, बहुत ज्यादा पतली रोड है यार, बोले मजा भी आ गया। और ये मम्मी डैडी बच्चे भी आए हमारे साथ, ट्रक भी आ गया। 5 करोड़ का दिल पसंद है ये। हाँ ये आफरीदी आफरीदी भाई, इस जानवर का ये मांग रहा है 320। लेकिन सच बताऊँ ये छोटा जानवर है, बहुत इनके दिमाग चढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। जो जानवर समझ में आ रहा है ये, यही वाला खुलवाया था ना सद अभी? अरे उस्ताद सही है, बांध दो इसको, बांध दो इसको, बांध हाँ इसको बांध दो। क्या मांग रहे थला इसके? अच्छा ये वही वाला है भाई। इस जानवर का सौदा अभी कर रहे हैं, फुल अलर्ट जानवर है, देखें अगर बन जाता सौदा तो आपको बताएंगे। अटक गए ये दोनों, 4 बजने वाले हैं भाई और अभी तक कोई सौदा नहीं बना है। भाई का मूड खराब हो गया क्योंकि इनके वाले से बछड़ा नहीं लिया। असद माशाल्लाह जिससे भी डील कर रहा है ना, वो तो एक जानवर के मांग रहा था 1.65, असद सौदा कर गया उसने 1.70 मांग लिया। कह रहे जो तुमने 10 करोड़ मेरे दिमाग की मारी है ना उसके 5,000 रुपए। क्या देख लू बेटा, अच्छा है। अबे तो व्यापारी सो रहा होगा, फिर क्या करेंगे?
तला व्यापारी के बराबर में जाके लेट गया था और नहीं उसने 185 बताया, मैंने 165 बोले। असद भाई पूछ रहे हैं कि 185 किसने बोले। अबे यार असद भाई का सिर्फ गाली खाने का दिल हुआ है मुझसे। काफी टाइम हो गया था, मैंने गाली नहीं दी, दे दिया। अभी सही है, सुकून। सही क्या बताओ, क्या करना है, क्या करना है? 170 तक में डन कर लो। दे दे पैसे गिनवा दे। भाई ने सौदा कर दिया है भाई। करो करो भाई, बिस्मिल्लाह करो। पहली बार किसी काम में सही है, दोनों का फायदा उठाया अपने। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सौदा हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं घर, वहाँ पे ये सारे करेंगे मेहनत मजदूरी। जानवर खड़ा होगा भाई, सौदा करवाया है भाई, ये दिखा दिया ना इसको, तो मैंने दिखा दिया। अभी घर जाके तुम्हें ऊपर वो छपड़ा डालना है, सही है? सबके मैं काम बता दूँ, तुम्हें नीचे से ईंटें उठा के ऊपर दे दी है। पड़ोसी हो तुम तो ज्यादा हुकूक है भाई, कर दिया ना यार, अच्छा जानवर करवा दिया। तुम सबसे हल्के हो वजन में, तुम ऊपर चढ़ोगे, ये तो तुम्हें पता है। फजर के टाइम हुआ है भाई, सौदा खिला रहे हो। मैं जो खिला रहा हूँ वो तुम खा नहीं पाओगे। खिलाने वाले बनो, क्या खिलाओगे तुम में से लाइक उसी के हो। इसको नाश्ता नहीं करना चाहिए, रात भर इसने खाया है। हाँ, रात भर जो चीज तुमने खाई है ना, आराम चीज। बेचारा हमारा दोस्त इतना भूखा है। जो भी लेना दो लेना। क्या ये पैसे पकड़ो, ये मेरा वाला है। कितने का ये? मामले की पुड़िया लग रही थी। 20 चार लाओ, दो एक दे दो, पहले कुछ खा तो ले, हजम पहले करना है तुझे। एक बछिया पसंद आई थी हमें, और उसके हमने पैसे लगा दिए थे, उसके 230 लगा दिए थे। कितने लगा दिए थे? 230 लगा दिए, 230 लगा दिए ये बंदा। उसके बाद पूरी मंडी हम घूमते रहे, ये बंदा मेरे पीछे पड़ा रहा कि हमजा थोड़ी सी रेंज बढ़ा ले, वो दे देगा, ढाई तक में दे देगा। मैंने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा। वैसे वो थी, वो चीज़ थी ढाई तक की, थी वो चीज़। वो बछिया मुझे, मैं अभी कुछ दिन पहले भी आया था, मुझे वो बछिया बहुत पसंद आई थी। ये बंदा पूरी मंडी में इतना पीछे पड़ा रहा है ना कि हम लोग आज पूरी मंडी घूम के गलती से वहीं पहुंच गए, उसी बाड़े में, और सौदा उसी व्यापारी से बना, उसी व्यापारी से, लेकिन दूसरे जानवर का, वो जो हमारी रेंज में आ रहा था। तो बस ये सीन था। लेकिन ये बंदा जिस तरह इसकी सुई अटकी भी थी ना कि अपना 5 और बढ़ा ले, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ बढ़ा ले भाई। और ये बेचारे इस बात पर नाराज है कि नसीर भाई से जानवर नहीं लिया। मिल जाता 170 में हमें। नसीर भाई को सॉरी के और हार्ट बना के मैसेज करेगा, आई एम सॉरी बेब। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं जानवर नहीं दिला पाया। अब्बा नहीं मानेंगे। जी उतार दे भाई, उतार दे, रुमाल जो उतारना। हाँ यही भी कूटा, थोड़ी सी छोटी रस्सी कर देना बस। हाँ सही है। सो गए थे तुम? अभी जानवर तो ले आए, फ्रेश भी हो गए, सारे दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, उसके बाद जानवर का चारा लेंगे, पायल लेंगे, मोरा वोरा लेंगे, इसको थोड़ा सा इतना गरीब बना के जो भेजा है इसको थोड़ा सा अमीरों वाला जानवर करेंगे, उसके बाद बस फिर घर आके सो जाएंगे। ये रहे सारे। क्या टेंशन है, नाश्ते में चलो, भूख लग रही है यार। चलो 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 चलो, ये आरामपुर जानवर ले आया ना, बोले चिकन चीज पराठा भी खाऊंगा, नॉर्मल पराठा भी खाऊंगा, हलवा पूरी भी खाऊंगा। नाश्ते की मजा ले ले, उठा चाबी, अभी उठा खा जाएगा पागल का बच्चा। ओ भाई कौन पिछले से बनी है, बाकी जग भी छुपा भाई, गिलास भी छुपा, तू भी छुप जा, जग जैसा ही है तू भी। तो अपसेट हो गए थे ना। ए भाई आधा नाश्ता आ गया है, बाकी आने वाला है, पराठे वराठे अचार दे दो, अय्याशी करवा रहा हूं। अबे अचार से छोटी हो जाती है। इसका क्या मसला है, इसका क्या? अबे हां देखिए बच्चे कितने, 250 हो गए। अबे कम कर भाई इसके यार,
जोता मैंने कर लिया रस्सी में। हाय कर दो, हाय व्लॉग में आओगे तो। जोता 2000 कर ले भाई, हो जाएगा यार कसम से। तेरी टी शर्ट देख के उसको गुस्सा आ रहा है, 2000 रुपए करवा। तक भाई इसका दिमाग खराब हुआ हुआ है, अभी तक ठंडी नहीं हुई है, जब तक हम इसका पहला चारा बनाएंगे, उसके बाद अब इनकी जिम्मेदारी है, ये देखेंगे और मैं जा रहा हूँ सोने। यस, चारा वारा बना के दे दिया रोहन, इसको पानी से बस देखना पानी ना आए ना चारे वारे के ऊपर। ये तो ज़्यादा हैवी है, इसको तो मैं इधर कर रहा हूँ। सही है, हाँ। तो भाई आपका भाई फ्रेश भी हो गया, जानवर को चारा भी दे दिया, नहा भी लिया और नाश्ता भी कर लिया, सब कुछ कर आ गया। अब मैं सोऊंगा, शाम तक सोऊंगा, लंबा नहीं, बीच में उठना पड़ेगा, नमाज वमाज भी पढ़नी होती है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा सो जाऊंगा। तो आज के दिन सोते सोते ही गुजरेगा, संडे का दिन है, 9 बज गए हैं अभी सुबह के। और बाकी ये कि छोटी सी ये बात करनी थी कि यार जो जो कुर्बानी करता है तो जितनी सताहत हो बंदा उतने में ही रह कर करे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है कि बंदे के जहन में ये होता है कि यार उसका इतना बड़ा जानवर है, मैं उससे बड़ा लेकर आऊँ, या मैं पिछले साल इतना लेकर आया था, अब लोग क्या बोलेंगे अगर मैं छोटा ले आया, उससे मैं बड़ा लेकर आऊँ, उससे ज़्यादा। कि देखो शौक एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अमाल का दारो मदार नियतों पर है। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, उसकी वजह से आप अपनी कुर्बानी ना ज़ाया करो, ठीक है। जितनी आपके पास है, जितनी आप हैसियत रखते हो, उस हिसाब से करो, अच्छा करो, कोशिश करो अच्छी से अच्छा हो, लेकिन जहन में ये रखो कि अल्लाह की राह में कर रहे हो, और भी मामला देख के चलो। समझ में आई बात? ये नहीं कि आपने बस कुर्बानी सब कुछ कर दी उसके बाद बैठे में कुछ है ही नहीं हाथ में, तो इतना भी ऐसा भी ना रखो ये मामला। बाकी ये कि मेरा भी यही सीन है, पिछले साल मेरी रेंज ज़्यादा थी, मेरे ज़्यादा का लेकर आया, इस दफ़ा रेंज थोड़ी सी कम थी, मैं कम का लेकर आया, कोई मसला नहीं है, ये तो चलता रहेगा। बाकी ये कि लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना सीधा से। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा आप लोग का मंडी, जो जो गया था लड़का उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और बस अजीरा के साथ भी अभी ब्लॉग्स वगैरह आएंगे, चैलेंजेस वगैरह आएंगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना सीधा से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।